बिसमिलीम्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल होप यू आर आर डूइंग वेल अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत खुश हूँ और हैरियत से हूँगा गाइस काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं बना रही थी उसका रीज़न मैं एंड पर बताऊँगी लेकिन आज की वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल है उन लोगों के लिए जो चाहते हैं उनके आईब्रोज और आई लैशेज़ घने हो जाए नेचुरली उनको बाहर का कोई भी कॉस्मेटिक वाला ना अप्लाई करना पड़े तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। और मैं नए आने वाले सब्सक्राइबर को बोलूँगी खुश आमदी वेलकम एंड uh, जितना भी प्रीवियस फीडबैक था वो बहुत अच्छा था थैंक यू सो मच और प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ये मैं आप सबको बताती हूँ कि ये मैंने बनाकर पहले ही रखी हुई है आप सबको बताती हूँ कि ये कैसे बनाती हैं और इसका रिज़ल्ट कैसा है और ये किस तरह इस्तेमाल करनी है तो वीडियो को एंड तक देखिए लाइक शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिए और सब्सक्राइब कर लें ब्यूटी टिप्स विद सम सो so गाइस सबसे पहले जो चीज़ें हमें चाहिए होंगी वो आप नोट डाउन कर लीजिए मेरे पास वाइटामिन ई e के कैप्सूल हैं जो सिक्सटी रुपीज़ से किसी भी मेडिकल स्टोर से इजीली अवेलेबल हैं आप वहां से बाय कर सकते हैं उसके बाद मेरे पास कोकोनट ऑयल है आप कोई सा भी ऑयल ले सकते हैं कैस्ट्रो ऑयल ले सकते हैं ऑलिव ऑयल ले सकते हैं उसके बाद गाइस मेरे पास है एलोवेरा जेल नाइनटी एलोवेरा जेल है आप घर वाली भी यूज़ कर सकते हैं उसके बाद एक प्लेट और चम्मच सबसे एक बाउल और प्लेट चम्मच में हम लेंगे व हाफ़ टेबल स्पून एलोवेरा जेल मैं अपने हिसाब से थोड़ी सी बनाऊंगी आप अपने हिसाब से अगर आप ज़्यादा ये जेल बनाना चाहते हैं ये सब पेस्ट बनाना चाहते हैं आई लैशेज़ और आई को ग्रो करने के लिए आप ज़्यादा बना सकते हैं मैं थोड़ा सा बनाऊँगी और मैंने पहले ही बना कर रखा हुआ है और ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए और आपको बताने के लिए कि मैं कौन से यूज़ करती हूँ जिससे मेरे आई लैश और आई घने हो रहे हैं उसके बाद मेरे पास ई के कैप्सूल है उसे हम लेंगे और इसे कट करके इसे भी एक ले लेंगे मैं यहाँ पर एक ही इस्तेमाल कर रही हूँ वाइटमिन ई e की कैप्सूल बहुत ही अच्छे होते हैं हमारी स्किन के लिए हमारे हेयर्स के लिए ये देख सकते हैं इसमें लिक्विड होता है ये आप इजीली आप खाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आप इसे लगाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं इट्स अप टू यू बहुत ही बेनिफिशियल है हेयर्स के लिए और स्किन के लिए इसके बाद गाइस हमने अच्छे से इन दोनों को मिक्स करना है जब तक ये यकजान नहीं हो जाते फिर से यकजा तो so गायज अच्छे से मैं मिक्स कर रही हूँ आप देख सकते हैं देन गायज मैं आप सबके साथ कोकोनट ऑयल यूज़ कर रही हूँ ये मैंने इसे धूप में रखा हुआ था इसलिए थोड़ा सा लिक्विड हो चुका है और धूप काफ़ी मुश्किल से अब सर्दियों में निकलती है तो आप देख सकते हैं थोड़ा सा जमा हुआ हुआ है लेकिन धूप में रखा था थोड़ा लिक्विड हो चुका है क्योंकि मेरे पास जो दूसरा था ना वाटिका का वो बहुत ज़्यादा जमा हुआ था मेरे से वो हो ही नहीं रहा था निकल ही नहीं रहा था तो फिर मैंने ये यूज़ किया ये बहुत अच्छा है दोनों बहुत अच्छे हैं आप कोकोनट ऑयल की जगह कैस्ट्रोल ऑयल भी ले सकते हैं आमंड ऑयल भी ले सकते हैं ये बहुत ही हेयर ग्रोथ के लिए बहुत अच्छे हैं ऑलिव ऑयल भी ले सकते हैं इट्स आप टू यू लेकिन वाइटामिन कैप्सूल और एलोवेरा जेल मस्त लेनी पड़ेगी आपको ठीक है जी आपने अच्छे से इन सबको मिक्स करना है यह बनाना है जब तक ये अच्छे से एक पेस्ट ना बन जाए अच्छे से मिक्स करने के बाद गाइस आपने मैं आप सबको लगा कर दिखाती हूँ आपने कैसे इस्तेमाल करना है आपने रोज़ाना रात को सोने से पहले अपने आईब्रोज़ पर और आई लैशेज़ पर जब आप फेस फ़ेस वाश कर चुके होंगे तो आपने ये लगाना है डेली ये नहीं है कि एक वीक में नहीं आपको आहिस्ता आहिस्ता रिज़ल्ट मिलेगा और आहिस्ता आहिस्ता ही आपको दिखेगा कि सब चीज़ों का रिज़ल्ट कितना अच्छा होता है नेचुरली आपको घर में ही अपनी ये चीज़ें बना कर रख लें तो बहुत अच्छी होती है कोई इनका साइड इफ़ेक्ट नहीं है मैं अब इसको एक मेरे पास डिब्बी थी तो इसमें मैं भर रही हूँ मैं रोज़ाना आती हूँ का आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की शक्ल इसने अख्तियार कर ली है बहुत ही अच्छी है और मुझे बहुत ही पसंद है मैं अपनी बहनों को भी बोलती हूँ कि लगाओ और यार अगर आप लोगों को चाहिए कि आपके आई और आई घने हो जाएँ ठीक है जी और ये कुछ इस तरह का बना है मेरे पास बहुत ही अच्छा मुझे लग रहा है इसकी और मेरे हा आप अपने फेस पर भी लगा सकते हैं इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और हाँ जी मैं बताना चाह रही थी कि प्रीवियस वीडियो मैं नहीं बना रही थी और वीडियोस में नहीं बना रही थी क्योंकि मेरे फैमिली में डेथ हो गई थी और मैंने इंस्टाग्राम पर पोस्ट भी कर दिया था कि ड्यू टू पर्सनल इशू अगर आपने मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को अभी तक नहीं फॉलो किया तो जाकर फॉलो करें मेरी इंस्टाग्राम आई है समन हालिद ज़ीरो ज़ीरो जीरो मेरे टू अकाउंट है ऑन इंस्टाग्राम उसकी रीजन मैं फिर कभी वीडियो में बताऊँगी अलग से वीडियो बनाकर आप सबको बताऊँगी कि क्यों मेरे इंस्टाग्राम पर दो अकाउंट हैं और किस वजह से तो ये मैं आपको बाद में बताऊँगी ठीक है जी और मुझे मुझसे बातचीत करने के लिए आप इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज करें मैं हर मैसेज का जवाब देती हूँ हर डी एम का जवाब देती हूँ किसी को नाराज़ नहीं करती सब मेरे भाई हो ठीक है बहने हो भाइयों ठीक है वीडियो पसंद आए तो गाइज लाइक करें शेयर करें अपने फ्रेंड्स फैमिली और घर वालों के साथ सबको दिखाएँ सो so yes उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरी वीडियो और पिछली सारी वीडियो पसंद आई होंगी थैंक यू सो मच अच्छा फीडबैक मिल रहा है और मैं आप सब से गुजारिश करती हूँ कि मेरी जो दादी अम्मा मेरे पापा की मामी जो फोटो हुई हैं उनके लिए दुआ करें और मेरे वीडियो को लाइक करें शेयर करें एंड कमेंट करें हाफिर